मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज योर लवली रिस्पॉन्स एंड योर सपोर्ट। और आपका यही सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि वीडियो बनाने के लिए। आज ये मेरा तीसरा वीडियो ज़रूर है, बट जिस प्रकार का आपका मोटिवेशन है, मुझे लगता है कि यह सीरीज को आगे रखूँगा। एंड गाइज, मैं आप बताना चाहूँ, आज तो मैं करीब 6 बजे उठ गया था और आज मौसम बिल्कुल ख़राब है, लगातार बारिश हो रही है। कल रात से हल्की हल्की बारिश है, तो मैं इसलिए छत पे आ गया और आपको मौसम दिखाता हूँ। आज का काफ़ी खूबसूरत मौसम है आज का, और बारिश भी अच्छी खासी हुई थी रात में, ठीक ठाक मतलब। और मौसम पूरा बादल लगे हुए हैं, ऐसे थोड़ा एनवायरनमेंट में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मौसम हल्का ठंडा हो जाएगा, गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी और पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाएगा। इस बार जंगलों में काफ़ी ज़्यादा आग लगी थी, इस कारण काफ़ी पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। और आप इंजॉय करें, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा आपने मौसम को। काफ़ी सुंदर मौसम है और हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी चली रही है, बट आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और हल्का ठंडा हो गया, तो मैंने जीपर भी पहन लिया, ठंड लग रही थी मुझे। तो अगर बारिश रुकती है तो उसके बाद आपको मौसम दिखाऊंगा कैसा है आज का। चलो मैं चाय पी के मिलता हूँ आपसे और आप भी इंजॉय करें। चाय तो कंप्लीट हो गई है, तो मेरे भाई लोग अभी तक सो रहे हैं, मौसम का पूरा मज़ा ले रहे हैं क्योंकि ठंड है हल्की और सोने में मज़ा ही कुछ और आता है इस मौसम में। चलो जाके उन्हें उठाता हूँ। वाह यार वाह, अरे उठना नहीं है क्या तुम लोगों ने? रणका के काम तो कर लेना, टाइम पर उठना ना सकना। ये देखो इनके ये हाल हो रहे हैं। वाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अबे सोच देना, इस मौसम में पढ़ाई तो कर लेना। अरे यार पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे चलेगा? उठ जा यार, पढ़ाई नहीं करेगा? कर लूंगा। कब करेगा यार? कर लूंगा मैं। चल ठीक है, चलो ठीक है। ऐसी हरकतें हो रही है इनकी, पढ़ाई तो बाद में कर लूंगा, सोने दे। बस यही चलता रहता है इसका पूरे दिन, और थोड़ी देर में उठेगा, नाश्ता करेगा, फिर इसको फोन पे घर पे पबजी खेल रहा होता है और काम इसका पूरा नहीं होता है। Few moments later. देखता हूँ क्या कर रहा है, पक्का पबजी या फिर कुछ पता नहीं क्या होता है, फ्री फायर खेल रहा होगा वो, सब कुछ काम धंधा नहीं है। चलो मिलते हैं उससे। कह रहा था ना आपसे यही मिलेगा। क्या कर रहा है? गेम। ये देखो इसका, आज इसका गेम खेलना दिखाते हैं। भाई मुझे पढ़ गए। नहीं कर दो। इसकी बात देखी आपने? खोपड़ी फोड़, खोपड़ी फोड़ेगी। नॉक कर दे इसको। नॉक कर दिया इसकी खोपड़ी तोड़ दी है बब्बू दा। ये देखो पेल, यहाँ दे। देखो गाइस गेम चालू है, पेल ना यार। देखो पता नहीं फ्री फायर कुछ ये खेल रहा है इस टाइम। भाई तीन दोनों मेरे को नॉक कर दिया यार। तेज चलते हैं गाइस इसके हाथ, मैं तो हैरान हूँ, इतनी तेज तो मैंने भी कभी नहीं खेला, जितनी तेज हाथ घुमा रहा है इसमें। फिर पाइप कर दे तुझे। चलिए ये ऊपर ये लगता बंदा लास्ट। चलिए मार दिया, मार दिया खत्म। बाय बाय टाटा, गुड बाय। टाटा गुड बाय गया। गाइस फाइनली बारिश रुक गई है, बड़ी मुश्किल से बाहर आने का मौका मिला। और आज दिन में कुछ ज़्यादा मैं ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि लाइट थी नहीं और मोबाइल मेरा डाउन हो गया था। तो मैं अभी का मौसम दिखाता हूँ आपको और हम सोचें थोड़ा आगे तक जाके आएंगे और घूम के आएंगे, क्योंकि ज़्यादा आगे भी नहीं आ सकते, लॉकडाउन लग रहा है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मौसम दिखाता हूँ किस कैसा हो रहा है इस टाइम। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और क्लाउड्स आप देख सकते हैं सामने। बारिश के बाद का जो मौसम होता है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी आ जाती है। सो गाइज हम घर से निकल गए हैं और जाएंगे थोड़ा घूम के वापस फिर से घर में आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते, बारिश का भी खतरा है और लॉकडाउन भी लगा है, तो ज़्यादा रिस्क हम लेंगे नहीं। तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने व्यू पॉइंट पर और व्यू का आनंद ले रहे हैं। आप भी देखो कितना सुंदर व्यू आज का, काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू है। आपको मैं दिखाता हूं जो सामने जगह दिख रही है, इसके बारे में कुछ नॉलेज आपको देता हूं।
एक्चुअली गाइस, जो ये नदी आपको दिख रही है, यह दो देशों का सीमांकन करती है, एक भारत और एक नेपाल का। और एक्चुअली जब ये नदी पहाड़ों से निकल के आती है तो इसको काली नदी का नाम दिया गया है, और जैसे जैसे ये मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ती है तो इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा के लिए और नहाने के लिए श्रद्धालु इसमें आते हैं, क्योंकि ये पूर्णागिरी के चरणों में बसी है ये नदी। और इस साइड जो आपको सिटी दिख रही है, ये है जनकपुर। और जब भी हमें कोई सामान वामान लेने जाना पड़ता है तो यहीं जाते हैं हम। ये ऑलमोस्ट यहाँ से हमारे गाँव से 30 किलोमीटर दूर है, और इन्जॉय करें वेदर का। और इस साइड है नेपाल, नेपाल का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम महेंद्र नगर है, वो इस जगह पे पड़ता है। और वेदर को एंजॉय करें, देखें अच्छा है, सुंदर सा मौसम, सुहाना बड़ा मौसम, काफ़ी अच्छा सुंदर व्यू देखने को मिला होगा। तो गाइस थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको अपना क्रिकेट ग्राउंड दिखाता हूँ, जहाँ हम लोग जब भी मौका मिलता है वहाँ खेलने जाते हैं, और वो दिखाऊँगा कैसा लगता है, आपको बताना फिर कमेंट सेक्शन में। चलो मिलते हैं। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, और आपको मैं व्यू दिखाता हूं अपने क्रिकेट ग्राउंड का। जो ये नीचे आपको दिख रहा है, ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड है। मेनली इसको गांव वाले सब खाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि खाल इसलिए बोलते हैं, बरसात के मौसम में इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी भर जाता है, तो इसलिए लोग इसे खाल बोलते हैं। और चारों तरफ का व्यू दिखाऊँगा, ग्राउंड के चारों तरफ का व्यू, ये सुंदर सा व्यू है आज का। देखो चारों तरफ पहाड़ और बादल से घिरा हुआ है। और गाइस जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, इससे इसके पीछे चंपावत शहर बसा हुआ है, और चंपावत शहर शायद आप सभी लोग जानते होंगे, पवनदीप राजन जो इंडियन आइडल में इस बार प्रतिभाग कर रहे हैं वो इसी शहर से आते हैं, और इसके इस पहाड़ के पीछे उनका गांव है। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम भी चलते हैं घर की ओर, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, and please subscribe my channel and share to everyone this video, and please stay home and stay safe। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हुआ ये ब्लॉग देखने में, नाला आ रही थोड़ी मज़ ली, इतनी बड़ी मौसम है रिश, यहाँ आज बर्फ है, बर्फ ची दिन भर कहाँ जाना हो मौक लेना मिलमी, तब आज घर में ही बना ली ब्लॉग फिर। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।